गुलरिया थाना के सरहरी चौकी अंतर्गत रघुनाथपुर ग्राम सभा के ग्रामीणों की शिकायत पर कि कुछ लोगों द्वारा एक धर्म विशेष के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिससे धार्मिक विद्वेष की भावना बढ़ रही है और एक विशेष पूजा पद्धति को अपनाने से आपकी पूरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी की सूचना पर गुलरिया पुलिस ने कार्रवाई की। मौके पर दुष्प्रचार कर रहे 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनके विरुद्ध पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाल ने बताया। थाना गुलरिया में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें एक शिकायतकर्ता के द्वारा यह अवगत कराया गया कि एक गाँव में कुछ महिलाओं और पुरुषों को कुछ लोगों के द्वारा एक धर्म विशेष के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिससे धार्मिक विद्वेष की भावना बढ़ रही है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि उन लोगों के द्वारा ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि एक विशेष पूजा पद्धति को अपनाने से आपकी जो सभी बीमारियां वो ठीक हो जाएंगी। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें मौके पर जाकर जाँच की गई, साथ ही साथ जो स्थानीय अभिसूचना इकाई है उसके द्वारा भी मौके पर जाकर जाँच की गई। तो जो उपरोक्त तथ्य हैं उसमें जो प्रथम दृष्टया सत्यता पाई गई और तत्काल ही पुलिस के द्वारा इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो धारा 153A और धारा 147 तथा चमत्कारिक औषधि उपचारण अधिनियम धारा 7 के अंतर्गत इसमें मुकदमा कायम कराया गया। पुलिस के द्वारा इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ इन तथ्यों की भी जांच की जा रही है कि कैसे बिना प्रशासनिक अनुमति के ऐसी सभा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था, जिसमें बाहर के काफ़ी संख्या में जो अन्य गाँव के लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। पुलिस के द्वारा इसमें जो वेशना है वो की जा रही है और जो वेशनात्मक कार्रवाई है इसमें जो अन्य तथ्य उभर कर आएंगे उसके आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो आगे की जाएगी।